राजस्थान में जनपद बारा के शाहबाद क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू होने से नदी नालों कुओं व तालाब में पानी की आवक हो गई है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है और खरीफ फसल की बुवाई में अन्नदाता जुट गया है। कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत आवंटित मक्का बीज के मिनी किट्स वितरित किए, जिससे किसानों में खुशी है। सोमवार को 225 तथा मंगलवार को 500 मिनी किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव ने किसानों से बीज के सदुपयोग करने का आह्वान किया। सहायक कृषि अधिकारी चेतन कुमार नागर ने बताया कि जनजाति परिवारों के लिए 560 मक्का मिनी किट से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पात्र किसानों को दिया जा रहा है। प्रत्येक किसान को 5 किलोग्राम किट निःशुल्क दिया जा रहा है। अगर मौसम अनुकूल रहता है तो एक किट से 8 से 10 क्विंटल अनाज पैदा होगा, जो कि एक परिवार के लिए साल भर का अनाज होगा। उन्नत खेती की दी गई जानकारी। इस मौके पर कृषि विभाग के नीरज शर्मा ने मक्का की उन्नत खेती की जानकारी दी, साथ ही गोबर की खाद के बारे में बताया। शाहबाद तहसील में मक्का की बंपर पैदावार होती है। गत वर्ष भी भुट्टे बड़े अनाज के साथ पैदावार हुई थी। विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि खरीफ फसल व उन्नत खेती एवं बीजोपचार जानकारी गांव-गांव जाकर किसानों के लिए प्रेरित करेंगे, साथ ही किसानों के लिए बनाए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। बीज वितरण कार्यक्रम में कृषि पर्यवेक्षण राम भजन माली, पुरुषोत्तम मेहता, दौलत सिंह एवं प्रशिक्षु कृषि पर्यवेक्षक पूजा चौधरी एवं पृथ्वी सहरिया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत सारे किसान भाइयों को मक्का का बीज निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। एक मिनी किट का वजन 5 किलो है और अगर मौसम अनुकूल रहा, सारी परिस्थितियां सही रही तो एक मिनी किट से कम 8 से 10 क्विंटल पैदावार हो सकती है, जिससे सभी किसान भाई अपने परिवार का आसानी से भरण पोषण कर सकते हैं, जिससे उनको आर्थिक समृद्धि मिलेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।